Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. Hi, I'm Dr. Manoj Goyal. I'm Director of Pulmonology, Critical Care and Sleep Medicine. मैं आज आपको कोरोना और जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उसमें कोरोना का क्या असर हो सकता है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। डायबिटीज़ एक शुगर की बीमारी है जिससे कि हम लोग मधुमेह भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिससे जो रोगों की जो लड़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो ये बात कोरोना के लिए भी सही है कि ये देखा गया है कि जो डायबिटिक्स पेशेंट्स हैं उनमें कोरोना के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो और एक बार अगर कोरोना का इन्फेक्शन में हो जाता है तो बीमारी काफ़ी सिवियर हो सकती है। और ये देखा गया है कि डायबिटिक्स में कोरोना की वजह से जो मोर्टैलिटी रेट है वो करीब 8-10% है, तो ये काफ़ी वल्नरेबल पॉपुलेशन है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे जो डायबिटिक्स हैं उनको क्या एहतियात रखनी है। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो दवाइयाँ हैं उनको आप बहुत कायदे से लें, अपनी शुगर को बिल्कुल कंट्रोल में रखें। और ये देखा गया है कि डायबिटीज़ के साथ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी एक एक्स्ट्रा वल्नरेबल ग्रुप है, इसलिए इनकी दवाइयाँ भी प्रॉपरली करते रहें। जो आपकी डाइट है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें जो कि आपके डॉक्टर ने बता रखी, ताकि शुगर किसी भी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। अगर आपको मैं एडवाइस करूँगा कि ज़्यादातर टाइम आप घर के अंदर रहें, मॉर्निंग वॉक वगैरह आप बंद करें, घर में ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। अगर घर में किसी को खांसी जुखाम या बुखार की तकलीफ़ है तो आपसे दूर रहें। घर में अगर पेट्स हैं तो उनको भी अपने से दूर रखिए। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि किसी भी प्रकार के जो कॉफ हो सकते हैं, जैसे कि इस समय एलर्जी कॉफ हो सकते हैं या कोई कॉमन फ्लू वाले कॉफ हो सकते हैं, उनसे भी हमें अपने को बचा के रखना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ठंडी चीज़ें जो कि कॉफ को प्रोड्यूस कर देती हैं, ठंडी चीज़ें, फ्रिज से निकला हुआ सामान, ठंडे फ्रूट्स, इनको अभी आप अवॉइड करें। अगर आप किस जैसे पूजा पाठ करते हैं, कोई धुआं है जैसे कि अगरबत्ती है, धूप है, जिनकी वजह से खांसी हो सकती है, उसको भी अवॉइड करें। जहां तक हो सके घर के अंदर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जो अदर प्रिकॉशंस है जैसे कि बार बार हाथों को धोना, बिना हाथ को धोए हुए फेस को टच करना या आँखों को टच करना या नाक को टचना, इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। घर में स्पेशली आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से घर का सफाई का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, और अगर हो सके तो अपने जो पर्टिकुलर जो दरवाज़ों के नॉब्स वगैरह हैं उनको अच्छे से क्लीन किया जाए, चाहे वो ड्रॉल को यूज़ करके कर सकते हैं या जो भी आपके अंदर आपके घर के अंदर घर के क्लीनिंग एजेंट्स हैं उनके द्वारा इनकी सफाई का ध्यान रख सकते हैं। तो डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए मेरे लिए एडवाइस है कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस रखें। किसी भी प्रकार से अगर उनको कहीं भी कोई खांसी होती है, बुखार आता है, या अगर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, तो ज़रूर अपने नियरेस्ट जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह करें। Thank you.